श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में शुरू हुई हनुमान शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से एक नियम बनाने को कहा है, जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपके घर में पितृदोष से होने वाले प्रभाव जैसे एक कमाओ सवा खर्च हो जाना, एक के बाद एक किसी का बीमार होते रहना, ग्रह क्लेश होना, इन सबसे आपको मुक्ति मिल सकती है, इन सबसे आप बच सकते हैं। आपको शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने ही घर में भोलेनाथ के सामने बैठकर 27 मनगे की माला लेना है और इस माला से शिव जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण 27 बार करना है। आप चाहो तो नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र, इन मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का 27 बार उच्चारण कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप उंगलियों में भी गिनकर 27 बार उच्चारण कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगे उस मंत्र का उच्चारण 27 बार कीजिएगा। ऐसा आपको श्राद्ध में बचे हुए सभी दिनों में रोज करना है। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, इस प्रकार से महादेव का नाम स्मरण करने वाले को पितृदोष के प्रभावों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख और शांति विद्यमान रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।